जैसे लगता है कि भारत माता इनकी बपौती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं, इनका जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्टर, उसके यहाँ पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग कितने हैं, क्या उनके उनके बारे में कार्रवाई हुई है, तो इनके इनका मंत्रालय बोलता है कि इस तरह का कोई गैंग जो है नहीं है। ये आदमी अनाप शनाप बोल करके लोगों का दिमाग खराब किए हुए है। इन लोगों को बेरोजगारी से लड़ने का हिम्मत नहीं है, इन लोगों को किसानों के समस्या का समाधान करने का हिम्मत नहीं है। यही सब सवाल उठा उठा करके जनता का ध्यान भटका रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के जो गैंगस्टर लोग हैं उसमें एक प्रधानमंत्री हैं, एक गृह मंत्री हैं, जो लग रहा है कि कसम खा लिया है इन लोगों ने कि देश को हम तोड़ करके ही रखेंगे। वही उस इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लोगों को उसका रहे हैं साहब, देश में घृणा और नफरत फैला रहे हैं इस तरह के लोगों का जो इनका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई, कौन डेमोक्रेसी है? उस डेमोक्रेसी के सहारे जिस कुर्सी पर पहुंच गए हो, अब उसी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हो? देश इसको इतना आसान नहीं है डेमोक्रेसी को खत्म करना, है सही बात है। देश को तोड़ने वाले लोग ही, जिनको न संविधान पर विश्वास है, न लोकतंत्र पर विश्वास है, न इनका इतिहास ये बताता है कि इन लोगों ने देश के लिए कोई कुर्बानी दी है। इनका इतिहास जो है आज़ादी के लड़ाई में ही अंग्रेजों को साथ देने का था, उसके बाद आपातकाल में इनके जो सरसंचालक थे बाबा साहब देवरस, उन्होंने बिसूत्री का समर्थन किया, इंदिरा गांधी को कहा कि भाई हमको छोड़ दीजिए, तो हमारे जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं ये बिसूत्री जो है देश के लिए बड़ा उत्तम कार्यक्रम है, इसमें लगेंगे। यही लोगों का इतिहास रहा है। और सत्ता कुर्सी पर बैठ करके और जेड प्लस के सुरक्षा के अंदर जो है एक से एक बात बोल रहे हैं, एक से एक डायलॉग बोल रहे हैं। पूरा देश शाहीन बाग बनने जा रहा है और बन चुका है एक ढंग से। पटने शहर में देख लीजिए कि कितने जगह महिलाएं बैठी हैं, अररिया, किशनगंज, बक्सर, चारों तरफ जो है धीरे धीरे गांव से निकल निकल करके बैठ रही हैं औरतें। ये मुकाबला उनका आसान नहीं है, ये महिलाओं से लड़ना जो है उनके बस की बात नहीं है। उनमें जितना धीरज है, जितना संकल्प है, और आज तक हमने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा इस तरह का माहौल नहीं देखा है। उस समाज की औरतें निकल रही हैं जिनके यहाँ पर्देदारी है, जिनके बारे में कहा जाता था कि पर्दा के अंदर उनको गुलाम बनाकर रखा गया था, और यही लोग हैं जो तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों के साथ इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं। इनकी मुस्लिम बहनें बैठी हैं, उनको क्यों नहीं जाके समझा रहे हैं भाई? उस समय तीन तलाक के समय मुस्लिम बहनें याद आ रही थी, उनको गुलामी से मुक्ति दिलाने की बात याद आ रही थी, और अब जब मुस्लिम बहनें सड़क पर आकर के बैठी हुई हैं, मैंने लगभग सवा महीना हो गया बाल बच्चों के साथ इस सर्द के मौसम में, इनके अंदर ममता नहीं पच रही है, जाके उनको समझाते क्यों नहीं है भाई? अगर अपोजिशन के लोग उनको भरमा रहे हैं तो आप उनको सही रास्ते पर ले आइए। नहीं तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू क्या हैं, जिनके बारे में आपको बहुत ममता लग रहा है, तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू को हिंदू आप क्यों कह रहे हैं भाई? जब हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, सब लोग हिंदू ही हैं, तो पाकिस्तान में भी रहने वाले सभी लोग मुसलमान हैं, तो उनके बारे में क्यों रोना रो रहे हैं भैया? ये कौन सी परिभाषा ये लोग गढ़ते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत सारे बौद्ध लोग, बौद्धिज्म जो है हिंदुस्तान में भगवान बुद्ध पैदा हुए, और उनका सिद्धांत जो है को मानने वाले, माने अपने आप को माने बुद्धिस्ट मानने वाले दुनिया भर के अनेक देशों में छितराए हुए लोग हैं, तो उनका उनका देश कह सकता है कि तुम जो है इस देश के नागरिक नहीं हो, इसलिए कि तुम्हारी पुण्य भूमि माने हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का गया है, गया का बोध गया है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है भाई? अरे गजब हालत है भाई, इस तरह की भाषा से बोल रहे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अरे फिर यार कब मरे, फिर यार का एक द्रविड़ आंदोलन में एक स्थान था, ये सही बात है कि अतीब पर वो चले गए थे, हमको याद है कि डॉक्टर लोहिया गए थे उनसे मिलने के लिए, जेल में गए थे मिलने के लिए, और उनको ये कहने के लिए कि उग्रता को थोड़ा सा मैंने कम कीजिए आप, और संपूर्ण जो पिछड़ों का आंदोलन है उसका नेतृत्व कीजिए। तो वो थोड़ा एक्सट्रीम पर थे, लेकिन समाज को बदलने का उन्होंने काम किया, जो वहाँ पिछड़ों के हाथ में और जिनको द्रविड़ लोग अपने आप को कहते हैं उनको
सत्ता में ले आने का, सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में उन्हीं के आंदोलन ने भूमिका निभाई थी। वही हम भी कह रहे हैं, हमने देखा नंदिता दास का जो बयान है, पूरा देश जो है बनता जा रहा है शाहीनबाग, और ये मैंने अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये लंबी लड़ाई चलेगी और हमको लगता है कि इस लड़ाई में समाज भी बदलेगा और नया नेतृत्व जो है संभव है देश के स्तर पर उभरे। हाँ देखा हमने उनका बयान है, इसके अलावा इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, सारे लोगों की भाषा में यही पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब मुसलमान यानी हिंदू और मुसलमान के बीच में होने जा रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये कपिल मिश्रा जिस बिरादरी में पैदा हुआ उस बिरादरी के लोग तो छुआते नहीं थे भाई, वो दलितों के मैंने साया तक से परहेज करते थे, ये मैंने ये इनको कैसे अपने जात में ही शामिल कर रहे हैं कि साहब ये जो है पाकिस्तान वालों से लड़ाई लड़ेंगे, ये सब विकृत मानसिकता के लोग हैं ना। ठीक है, विरोध का प्लेटफॉर्म बड़ा होना चाहिए, अभी जो छितराया हुआ दिखाई दे रहा है उसमें अशोक गहलोत की पार्टी को ही आगे बढ़ के पहल करना चाहिए, तो अशोक गहलोत की पार्टी जो है वो दिल्ली में उनको आपके साथ तालमेल करके लड़ना चाहिए था, तो अकेले लड़ रहे थे, मैंने उस चुनाव को त्रिकोणात्मक बना रही हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। आप कैसे भाई, आप पार्टी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, तो आपको उसके साथ जो है हाथ मिला करके चुनाव लड़ना चाहिए था, न कि आमने सामने खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। काहे नहीं जाट वालों को संपत्ति जब्त करा रहे हैं एक खट्टर साहब से कह के, उस समय तो कहीं दम दिखाई नहीं दिया, मैंने सटक गए थे खट्टर साहब घर में, और उसके बाद कभी चर्चा तक नहीं है साहब, वहाँ तो मैंने खाली रेलवे की 55 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था, और लोग मानते हैं कि 8,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था, तो वहाँ जो है यही है, जो कायर लोग होते हैं वो जो कमज़ोर लोग होते हैं उन पर अपनी बहादुरी दादागिरी जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ जो 14% की आबादी है उस पर जो है 80% में पैदा होने वाले जोगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग जो है उनको मैंने डर दिखा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, ये किस्म की कायरता है, कायरता वाली मानसिकता है। हिंदू महासभा के लोग ने कहा कि ममता बनर्जी का दिमागी दिवालिया हो गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस हिंदू महासभा की बातों को नहीं मानते थे, हिंदू महासभा के मुखालिफ थे, सुभाष चंद्र बोस जो है मार्क्सिस्ट विचारधारा के आदमी थे, उनको हिंदू महासभा से क्या मतलब था भाई, उनके मैंने उन्होंने कभी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो नेता माना नहीं, वहाँ देश बंधु चितरंजन दास जो है उनको वो अपना माने गॉड फादर मानते थे, देश बंधु चितरंजन दास का भी समर्थन उनको रहता था, तो ये हिंदू महासभा से कहाँ उनका छुआछूत था। बोल रहा है हिंदू महासभा लोग कि बौद्धिक रूप से दिवालिया हो गई है ममता बनर्जी। हाँ तो कहेंगे ही कि जिस तरह शेरनी की तरह लड़ रही है ना इनको, उसके आगे बस नहीं चल रहा है इन लोगों का, इसलिए मानसिक रूप से दिवालिया दिखाई दे रही हैं।